हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की, जिसके एक फैसले से दुनिया के सभी देश हिल गए हैं, क्योंकि इसरो अब वो काम करने वाला है जो अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने यह तय किया है कि वो अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए जानवर नहीं रोबोट भेजेगा, जबकि दूसरे देशों ने जानवरों का इस्तेमाल किया था। दरअसल इसरो का प्लान है कि साल 2021 के अंत तक भारत भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो शुरुआत में टेस्टिंग प्रक्रिया के दौरान मानव रोबोट का सहारा लेगा। इसरो के प्रमुख शिवन ने कहा है कि अंतरिक्ष में होने वाली जटिल टेस्टिंग प्रक्रिया में हम बेचारे कमजोर जानवरों का सहारा नहीं लेंगे। भारत सरकार और इसरो ने इस बात को साफ किया है कि गगनयान मिशन के दौरान भारतीय यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अब यह सवाल ये उठ रहा है कि जब अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देशों ने अंतरिक्ष में इंसान भेजने से पहले जानवर भेजकर परीक्षण किया था, तब इसरो इस तरीके को फॉलो आखिर क्यों नहीं कर रहा है? इसरो ने जवाब में कहा है कि अमेरिका और रूस जब जानवरों को स्पेस में भेज रहे थे, तब उस समय पर आज जैसी आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। उस समय मानव रोबोट का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए बेचारे जानवरों की जान को जोखिम में डाला गया था। लेकिन अब हमारे पास सेंसर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जिससे सारी टेस्टिंग आसानी से की जा सकती है, तो क्यों ना उसका सहारा लिया जाए। गगनयान मिशन के लॉन्च होने से पहले इसरो ने योजना बनाई है कि जिससे इसरो दो परीक्षणों का अंजाम देगा, जिसमें मानव प्रकृति से मिलते हुए रोबोटों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि किसी जीवित वस्तु और रोबोट में बहुत फर्क होता है। विज्ञान के मामलों के जानकार पल्लव बागला ने कहा है कि अगर गगनयान मिशन के तहत इसरो सीधे इंसान को ही स्पेस में भेजना चाहता है, तो इसरो को पहले की दो टेस्ट उड़ानों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेस्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर, हीट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर और क्रैश सेंसर वगैरह तो रोबोट के हिस्से ही हैं। पल्लव बागला के हिसाब से इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष में सीधे इंसानों को ऐसी फ्लाइट में भेजना चाहता है जिसमें पहले कभी भी कोई जिंदा जीव नहीं गया। इसमें बहुत बड़ा खतरा है। इसरो के अनुसार मिशन गगनयान परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस साल के अंत तक अंतरिक्ष यात्रियों की तलाश पूरी हो जाएगी। अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो इसरो के गगनयान मिशन की लागत 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और सरकार ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। 2018 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की घोषणा की थी। भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी मंत्रालय के उच्च अधिकारियों पर इस मिशन का थोड़ा सा दबाव भी है, क्योंकि इसरो पहली बार में इसे मिशन को सफल बनाना चाहता है। इसरो के चेयरमैन शिवन के मुताबिक गगनयान के लिए प्रबंधन और स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाए जा चुके हैं। इसरो द्वारा पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 तक और दूसरा मिशन जुलाई 2021 में पूरा किया जाएगा, और फिर भारत की पहली रियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दिसंबर 2021 तक पूरा कर लेने का टारगेट है। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। सबसे पहले रूस ने अंतरिक्ष में मानव को भेजा था, तब रूस को सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद अमेरिका ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। इन दोनों ही देशों ने अंतरिक्ष में मानव भेजने के पहले जानवरों को ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पर अंतरिक्ष में भेजा था। इसके कई दशकों के बाद 2003 में चीन ने भी अंतरिक्ष में कदम रखा। अंतरिक्ष मिशन को लेकर गोपनीयता। पल्लव बागला के मुताबिक ज्यादातर देश अपने स्पेस मिशनों के बारे में पूरी गोपनीयता रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जब 2003 में चीन का पहला अंतरिक्ष यात्री वापस आया था, तब ऐसी अपुष्ट खबरें आई थी कि वो खून से लथपथ था। कुछ दूसरे जानकारों का मानना है कि इस तरह के मिशन में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से रिटायर हो चुके प्रोफेसर आर के सिन्हा ने कहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देश आज तक इस तरह का कोई कारनामा नहीं कर सके। भारत ने इस मिशन पर 10,000 करोड़ लगा दिए हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है। पल्लव बागला ने इस बात को माना है कि दाव बहुत बड़ा है और रिस्क भी है। हालांकि इसरो जो कहता है वो करता भी है। अगर इसरो ने ये कमाल कर दिया तो वो दुनिया के बड़े देशों के लिए सीधी एक चुनौती होगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इसरो पहली बार में गगनयान मिशन को सफल बना पाएगा या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि इसरो द्वारा जानवरों की जगह रोबोट का इस्तेमाल करना सही है या नहीं। मेरे हिसाब से ये इसरो का बिल्कुल सही फैसला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।